सीएम आवास पर बैठकों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा ले रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट पर सीएम की समीक्षा चल रही है। अधिकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को प्रोजेक्ट की जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, उसी समीक्षा बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नगरीय विकास मंत्री भी हैं और कैलाश विजयवर्गीय हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं और सभी अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग के मंत्री के साथ लगातार डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक कर रहे हैं। विवेक पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। विवेक, लगातार समीक्षा बैठकें चल रही हैं, आज किन किन विभागों की समीक्षा बैठक है और इन बैठकों से क्या निकल कर आ रहा है, इसका आउटकम क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास के सामंत भवन में अभी बैठक चल रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रतिमा बागरी भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम अधिकारियों को यहां बैठक में बुलाया है, खासतौर पर नगरीय प्रशासन विभाग के। और मध्य प्रदेश में दो शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पूरी बैठक में ली गई है। सबसे बड़ी बात है कि 2027 तक सभी मेट्रो के कामकाज पूरे किए जाएंगे, ये डेडलाइन एक तय कर दी गई है। और सुभाष नगर से करौत के बीच में जल्द ही एक मेट्रो की लाइन शुरू हो जाएगी और ये दावा किया है बैठक में अधिकारियों ने कि 2031 तक 4.5 लाख लोग मेट्रो से ट्रेवल करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि भोपाल में मेट्रो के कामकाज को लेकर लगातार समीक्षा हो रही है, लेकिन इंदौर में मेट्रो के कामकाज को लेकर एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि मेट्रो के जिस रूट पे काम चल रहा है वहाँ पे बदलाव की कोशिश को लेकर स्थानीय लोगों ने मुद्दा उठाया, तो इस बैठक में इस पर भी चर्चा हो रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को जानकारी दी है कि मेट्रो इंदौर में किस तरीके से काम चल रहा है और भोपाल के कामकाज को लेकर अधिकारियों से पूछा गया है कि खासतौर पर करौत से लेकर सुभाष नगर तक ये जो पूरी एक पहली लाइन है इसमें काम कितना पूरा हो चुका है, स्टेशन कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, स्टेशन के साथ साथ जो कंट्रोल कमांड सेंटर है वो कितना बनके तैयार है, क्योंकि अभी मेट्रो का ट्रायल चल रहा है, इस दौरान जो भी गड़बड़ी सामने आ रही है, दिक्कत सामने आ रही है, कहीं तरीके से कोई फेलियर है, इन तमाम विषयों को लेकर नितेश जानकारी दी जा रही है। शुक्रिया विवेक इस जानकारी को साझा करने के लिए। आप बने रहिएगा, अगली खबर में भी आपके साथ बातचीत करेंगे और इस खबर में जो भी ताज़ा अपडेट होगी आपके माध्यम से लगातार देते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग, ACS सुलेमान, IAS निशांत बरबड़े पर आरोप लगाया गया है। नर्सिंग घोटाले में नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, छोटी मछलियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव बर्खास्त कर रहे हैं, सिंघार ने कहा है। सुन लीजिए सिंघार ने क्या कहा है, फिर बात करेंगे। विवेक पांडे हमारे सहयोगी। मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि बड़े मगरमच्छों को आप क्यों छोड़ना चाहते हो? ACS सुलेमान जो कोरोना काल से घोटाले करते आ रहे हैं, क्या वो इसके अंदर भागीदार नहीं है? विश्वास सारंग जो इसके मंत्री रहे, क्या वो इसमें भागीदार नहीं है? महेंद्र गुप्ता जो इनके OSD अघोषित रूप से काम कर रहे, क्या वो इसके भागीदार नहीं है? जब काउंसिल इलेक्टेड रहती है उसमें आपने उनको चुना नहीं, लेकिन शासन ने अपने उस नर्सिंग कॉलेज काउंसिल को टेक ओवर करके अपने हिसाब से चलाते रहे, तो ये सीधा सीधा घोटाला करने वाले ये लोग है, इन पे ये बड़े मगरमच्छ है मोहन यादव जी, इन पे कार्रवाई करना चाहिए, ना कि कोई छोटी मछली पे कार्रवाई। तो उमंग सिंघार को आपने सुन लिया और विवेक का मैं रुख करूंगा और उन्हीं से बातचीत करूंगा। विवेक, कल कार्रवाई हुई थी, उस दौरान की जो एक अधिकारी थी उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर अब उमंग सिंघार ने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कल जब हम बात कर रहे थे कि सुनीता सीजू को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, तत्कालीन मेडिकल काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार रही हैं और दतिया में स्टाफ नर्स के तौर पर पदस्थ रही हैं, कल उनकी बर्खास्तगी के ऑर्डर आ गए। लेकिन आज जब उमंग सिंघार ये बात कह रहे हैं कि सरकार को बड़ी मछलियों छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने से पहले बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई करना चाहिए, बड़े मगरमच्छों में किसका जिक्र कर रहे हैं? ACS हेल्थ मोहम्मद सुलेमान। नर्सिंग जब घोटाला कॉलेज का सामने आया उस वक्त तत्कालीन हेल्थ आयुक्त निशांत बरबड़े पर एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हैं और तत्कालीन
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आरोप है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से वो काफी गंभीर है कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने से पहले बड़े मगरमच्छों पर भी एक्शन लिया जाए। और ये जो नर्सिंग घोटाला है पूरा, ये पूरे मध्य प्रदेश को दागदार करता है। और जब ये नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए हैं तो सरकार जरूर इन तीनों की भूमिका को लेकर भी जांच कर रही है, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मोहन सरकार इन पर भी एक्शन लेगी। खास तौर पे पिछले 3 साल से लगातार ACS के पद पे पदस्थ है मोहम्मद सुलेमान, तो उनको भी जल्द ही आने वाले कुछ दिनों प्रशासनिक सर्जरी के चलते उनको भी मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। किसी और NVDA या फिर कर्मचारी चयन मंडल या फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल, किसी भी मंत्रालय से बाहर या फिर राजस्व मंडल में पदस्थ किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निशांत बरबड़े पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हालांकि हटाए जा चुके हैं, लेकिन किसी और विभाग में पदस्थ है। अब तक उनकी भूमिका को लेकर सरकार ने जांच नहीं की है। अब तक सिर्फ सुनीता सीजू पर एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि छोटी मछलियों को पर एक्शन लेने से पहले बड़े मगरमच्छों पर भी मोहन सरकार को एक्शन लेना होगा, और यही मांग है नेता प्रतिपक्ष की। हालांकि ये पूरा नर्सिंग मामला पूरे विधानसभा सत्र के दौरान गूंजेगा और सरकार से तमाम सारे विधायक सवाल पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया, क्योंकि इस मामले में CBI भी दागदार हुई, कई सारी कमेटियां भी बनाई गई, लेकिन कमेटियों की रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई। लेकिन कल जब सुनीता सीजू पे कार्रवाई हुई तो ये लगा कि अब सरकार एक्शन की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल खड़े किए कि बड़े मगरमच्छों पर भी एक्शन लिया जाए। नितेश, बिल्कुल सही कहा आपने, और देखना होगा कि आगे किन जिन मगरमच्छों की बात कथित रूप से कही जा रही, किस पर कार्रवाई होती है। विवेक शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और कुछ अहम खबरों का रुख करेंगे। अब बात करते हैं करेत की, अमरवाड़ा की बात करते हैं, जहां के उपचुनाव की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। समझिए क्या पिक्चर क्लियर हुई है, पिक्चर को समझिए अमरवाड़ा की। अमरवाड़ा का उपचुनाव है, कुल 17 कैंडिडेट ने 26 नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं। 17 कैंडिडेट्स हैं, कुछ बैकअप फॉर्म भरते हैं, उन्हीं इसीलिए वो 26 आंकड़ा पहुंच गया है कि अगर मान लीजिए किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसका बैकअप फॉर्म क्या रहेगा। बीजेपी से कमलेश शाह चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, बीजेपी के इन्होंने दामन थामा, विधायक थे, और कांग्रेस ने धीरन शाह इनवाती पर क्या है अपना दांव खेला है। धीरन शाह इनवाती अब देखना है किस तरह से डिफेंड कर पाते हैं। कांग्रेस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इस कैंडिडेट के चयन के लिए, लेकिन उतारा है कांग्रेस ने इन्हें। कांग्रेस के 2 डेमी कैंडिडेट भी ने भी नामांकन दाखिल किया। आप कहेंगे कैसे, क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि डेमी कैंडिडेट इसलिए रखे जाते हैं, जैसे आप सूरत का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ पर जब चुनाव हो रहे थे तो मेन कैंडिडेट का जब पर्चा निरस्त हुआ तो डमी कैंडिडेट ना होने की वजह से कोई अपोजिशन से खड़ा ही नहीं हो पाया, इसलिए 2 डमी कैंडिडेट का भी नामांकन भरवाया गया है कि अगर उनका नामांकन निरस्त होता है तो फिर 2 लड़ सकते हैं उनमें से कोई। शोभाराम भलावी और नवीन मरकाम कांग्रेस के डमी कैंडिडेट हैं, इन्हीं की मैं बात कर रहा था, प्रक्रिया मैंने समझा दी आपको। 24 तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, 24 तारीख तक छांटा जाएगा, काटा जाएगा, इसीलिए डमी कैंडिडेट है, देखा जाएगा कुछ गलती तो नहीं है, शपथ पत्र कैसे हैं, सब कुछ होगा, और 26 जून तक नाम वापसी। अगर किसी को लगता है कि हमें नाम वापस लेना है तो वो 26 तारीख तक नाम वापस ले सकता है। और अमरवाड़ा के चुनाव पर बात कर लेते हैं, विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए। विवेक, ये सब तो ठीक है, व्यवहारिक चीजें थी, बता दिया, समझा दिया, अब आप ये जरा समझाइए गोंगपा के आने से लड़ाई कैसी हुई है, कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रति क्या वहां के स्थानीय रुझान है, राजधानी भी क्या कह रही है, कांग्रेस के आला लीडर जो है वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, और चुनाव के लिए किस तरह से कैंपेनिंग की तैयारी दोनों ही दलों ने कर ली है, और गोंगपा का जरूर समझाइएगा। देखिए नितेश, इंदौर में आपने देखा था कि अक्षय बम भाग गए थे चुनाव से ठीक पहले, और जब नाम वापसी का आखिरी दिन था उस वक्त उनने अपना फॉर्म विदड्रॉ कर लिया था। तो ऐसे में कांग्रेस भी जब दूध का जला है तो फिर छाछ भी फूंक के पी रही है, और शोभाराम भलावी और नवीन मरकाम को डमी कैंडिडेट के रूप में उतारा है। लेकिन ये पूरी लड़ाई काफ़ी कठिन है, क्योंकि कमलेश शाह 3 बार के विधायक है, उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी है, धीरेन शाह पर कांग्रेस ने दाव लगाया है, और अब तक 26 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, और 24 तारीख को नामांकन वापसी की तारीख है। लेकिन इससे पहले गोडवाना गणतंत्र पार्टी
ज्यादा मुश्किल इस क्षेत्र में पैदा कर देगी कांग्रेस के लिए और बीजेपी दोनों के लिए, यानी कि ये पूरा मामला जो है वो त्रिकोणी है। लेकिन धीरेन्द्र शाह कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने भरोसा इसलिए जताया है क्योंकि वहां पे उनके समुदाय के और उनके समुदाय के लोगों का काफी ज्यादा होल्ड है और उनके ही परिवार से। याद हो कि जब छिंदवाड़ा में चुनाव थे तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उनके परिवार के बड़े सदस्यों से मिलने पहुंचे थे और उन्हीं परिवार से आते हैं धीरेन्द्र शाह। तो जो नवीन मरकाम है और शोभाराम भलावी है, इन्हें डमी के तौर पे उतारा गया है कि अगर इंदौर जैसी सिचुएशन बनती है तो ये दो प्रत्याशी बैकहैंड सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन गोंडवाना गर्दन पार्टी की वजह से ये मुकाबला त्रिकोणी हो रहा है। और लेकिन इंदौर में तो प्रत्याशी थे, वो कोर्ट पहुंचने में देर कर गए थे विवेक, अगर याद हो तो। इंदौर में प्रत्याशी थे बैकअप में, लेकिन वो देर कर गए थे। फिर निर्वाचन आयोग ने कहा था, कोर्ट ने कहा था कि आप देर कर गए, तो इसीलिए दो दो लोगों को लगा दिया गया है कि अब देर भी ना हो और जल्दी से पहुंच जाएं। बिल्कुल सही बात है रितेश, कि जैसा हमने देखा था कि इंदौर में हुआ था कि कोर्ट तक रुक गए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उन्हें तमाम सारे कारणों की वजह से उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद अक्षय बम अकेले वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो देश भर में चर्चित हुए। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये स्थिति कांग्रेस में अब उपचुनाव में न बने, इसलिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी कांग्रेस ने जारी की है। तमाम सारे नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक भी वहां कैंप करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और बतौर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उस पूरे चुनाव में मजबूत रहेंगे, यानी कि एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी लड़ाई है लोकसभा चुनाव में। भले ही इस चीज को थोड़ा सा और दूसरा आयाम देता हूं, चूंकि आप जुड़े हैं, आप पॉलिटिकल चीजों में गहरी पकड़ रखते हैं। आपने 40 स्टार प्रचारकों की बात की, बीजेपी ने भी शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर तमाम दिग्गजों की लगभग 55 लोगों की सूची जारी की है स्टार प्रचारकों की। तो इतने सारे स्टार प्रचारकों का क्या वहां पर काम है? और इसे दूसरा और आयाम दे दीजिए कि क्या मान लिया जाए कि अगर अमरवाड़ा कांग्रेस जीत जाती है तो आगामी निकाय और पंचायत चुनाव, क्योंकि पिछली बार का परफॉर्मेंस अगर आपको याद हो विवेक, वहां पर बेहतर हुआ था पंचायत चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस, इवन आम आदमी पार्टी भी सिंगरौली जीत गई थी। तो इसे संजीवनी बूटी माना जाएगा, इसीलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही पुनर्जीवित ना हो जाए कहीं कांग्रेस। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं नितेश, की 29 की 29 सीटें हारने के बाद कांग्रेस अगर यहां से जीतती है तो कांग्रेस अकेले बूस्टअप नहीं होगी, कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता नेता भी बूस्टअप होंगे और कमलनाथ भी सक्रिय होंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी की है, इसमें मध्य प्रदेश के सभी नेता हैं। बीजेपी की सूची आप देखेंगे तो तमाम सारे बड़े दिग्गज नेता और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव तक का नाम है। तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी ने ऐसी प्लानिंग की है कि इस पूरे छिंदवाड़ा में ही सभी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी की प्लानिंग इस कदर है, 35 ऐसी सूची में नाम है जो तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी नेताओं को छिंदवाड़ा में कैंपेन करने के लिए बुलाया जाएगा इस चुनाव में। तो यानी तो आप समझ लीजिए कि ये लड़ाई बीजेपी किस स्तर पर लड़ रही है कि एक तरफ कांग्रेस का खेमा पूरा मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहा और बीजेपी ने तो फिर दूसरे राज्यों के नेताओं को भी इस पूरे चुनाव में लाने की तैयारी कर ली है। बेहद दिलचस्प और रोचक मुकाबला ये उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि गोंडवाना गर्दन पार्टी भी दोनों ही पार्टियों को उतना ही डैमेज करेगी जितना एक दूसरे के लिए खुद डैमेज कर रहे थे अभी तक। अगर राहुल गांधी जैसा नेता इस उपचुनाव में आ जाए तब किस स्तर की राजनीति होगी? और मुझे तो ऐसा लग रहा है, कई जानकारों से भी बात हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेता आ जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अब ये कांग्रेस के भविष्य का सवाल हो चुका है। खैर, ये काल के गाल वाला प्रश्न है, आप इतना करेक्ट कर देता हूं। कल जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई तो एक सबसे बड़ी बात यही देखने के लिए मिली कि कोई बाहर का नेता नहीं था। भंवर जितेंद्र सिंह जो लोकसभा के प्रभारी हैं और मध्य प्रदेश में AICC ने उन्हें जब भेजा है तो वो सिर्फ चुनाव की निगरानी करेंगे। और तमाम सारे नेताओं की आप लिस्ट से देखेंगे, करीब 40 ऐसे नेता हम भी कल वेरीफाई कर रहे थे, उसमें मौजूदा विधायक है, मौजूदा तमाम सारे नेता, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं है। राहुल गांधी दिल्ली से बैठे बैठे अमरवाड़ा के चुनाव में नजर रखेंगे, और अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई बयानबाजी है, तो वो दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे। मध्य प्रदेश में अगर डायरेक्ट वो दिल्ली से
अमरवाड़ा आते हैं तो ऐसे में समझ लीजिए कि राजनीति का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कमलनाथ अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, देश में नहीं है, वो बाहर है, लेकिन नकुलनाथ छिंदवाड़ा में बैठक कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में तमाम सारे बड़े नेता भी कांग्रेस के मौजूद रहेंगे, खासतौर पर कमलनाथ। और कमलनाथ की ये बहुत गहरी बातचीत हो गई विवेक, अब देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अमरवाड़ा की लड़ाई अब दोनों ही दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। सोचिए अब राजनीति का टेम्परामेंट कितना हाई हो चुका है। शुक्रिया विवेक बातचीत करने के लिए। एक भी सीट कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, मर मिटने की लड़ाई हो रही है। 35 बीजेपी ने, 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस ने लगाए। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के एक बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं पूरे देश में। उनके बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बस कार्तिकेय चौहान का नाम ही चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या बयान दे दिया, तो कार्तिकेय चौहान ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान के सामने दिल्ली भी नतमस्तक है। गौर फरमाइएगा, शिवराज सिंह चौहान यानी कि कार्तिकेय के पापा, उनके सामने दिल्ली भी नतमस्तक है। और क्या कहा खुद ही सुन लीजिए, नहीं तो आपको भी लगेगा कि एंकर साहब हवाबाजी मार रहे हैं। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। कार्तिकेय के इस बयान के बाद बहुत ही अंदर खाने में हलचल है। इसके परिणाम जो भी होंगे वो भविष्य में पता चलेंगे और विस्तार न्यूज आपको सब कुछ बताएगा। अब चलते इंदौर, क्योंकि इंदौर में भी बहुत कुछ हुआ है। वर्ल्ड म्यूजिक डे पर कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे यहां, जहां उन्होंने अपने ही अंदाज में गाने गुनगुनाए। मंत्री जी गाने गुनगुनाते हुए नजर आए हैं। कल था योग दिवस के साथ ही संगीत दिवस भी था। प्रोग्राम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी शिरकत की, उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने भी, जूही भार्गव ने गाने गुनगुनाए। हर साल विश्व संगीत दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि संगीत प्रेमी हैं वो। विजयवर्गीय के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। विजयवर्गीय जब पहली बार महापौर बने थे तब उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लग रहा हो आपको, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार हो जाते हैं। आपने सही सुना, भगवान भी बीमार पड़ते हैं। सब कुछ विस्तार से जानने के लिए आपको इस रिपोर्ट को देखना होगा, आराम से, इत्मीनान से देखिए। पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी का प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से पिछले 175 वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन रथ यात्रा से पहले भगवान को लू लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज के दिन सुबह राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो जाता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है, इस मंदिर, ये अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आज स्नान यात्रा का कार्यक्रम है। यहाँ पर आज भगवान बाहर आएंगे गर्भगृह से और भक्तों को दर्शन देंगे, स्नान होगा उनका जल से के द्वारा, और एक घट लुटने की परंपरा है जिसमें छोटा सा घड़ा होता है, उसमें जल होता है प्रभु का, और उसके बाद में भगवान अंदर जाते हैं। उस समय उन्हें लू लग जाती है और भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर बंद के कपाट बंद रहेंगे, 15 दिन पश्चात वह स्वस्थ होंगे, तब उनको प्रसादी होगी और वह उन्हें भोग चढ़ेगा। अपने स्वामी के बीमार पड़ जाने पर भक्त प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है।
आज ये स्वामी जगन्नाथ जी का पन्ना धाम का मंदिर है और यहाँ पे आज भगवान को श्री जगन्नाथ जी को आज यहाँ पर निकाला जाएगा और इनको जल से अभिषेक किया जाएगा। इस जल से अभिषेक करने का कारण उनको लू लग जाती है, उसके कारण ये 15 दिन तक मंदिर का पट बंद रहता है। आज पूर्णमासी के दिन भगवान मंदिर के अंदर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देंगे, स्नान यात्रा होगी और स्नान यात्रा के बाद भगवान के कपाट 15 दिनों के लिए बंद हो जाएंगे और अमावस्या के दिन भगवान को पद प्रसाद लगेगा और परिवार के दिन उनकी धूप कपूर की झांकी होगी और दोज के दिन जो है दूसरे दिन यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी। अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि यह मान्यता है कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी जाती है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ साहू की रिपोर्ट।